भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियां तेज कर चुकी हैं। घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव लगातार बीजेपी ले रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य स्थानों पर सुझाव पेटियां लगा दी गई हैं बीजेपी की तरफ से, और ऐसे सुझाव जो है वो लिए जा रहे हैं, ईमेल के जरिए भी मांगे जा रहे हैं घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव। तो बीजेपी लगातार इस तरह से अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर सुझाव पेटियां लगा दी गई हैं बीजेपी की तरफ से, ईमेल के जरिए भी घोषणा पत्र के लिए सुझाव जनता से मांगे जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर भी तैयारी की रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो जमीनी स्तर पर भी तैयार की जा रही है रिपोर्ट, आपको बता दें, अलग अलग जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, अलग अलग मतपेटियां जो है जिस तरह से आने वाले समय में लगाई जाएंगी उसके तहत आपको बता दें, अलग अलग ऐसी सुझाव पेटियां जो है वो लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो ईमेल के जरिए भी सुझाव जो है वो जनता दे सकती है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, और घोषणा पत्र में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल की जानी चाहिए, इसके तहत एक अभियान जो है वो चल रहा है बीजेपी का। तो जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश की जा रही है। तो घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, और ईमेल के जरिए भी आप सुझाव जो है वो दे सकते हैं। तो प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटियां लगा दी गई हैं, और जो भी सुझाव हैं वो जनता अपने दे सकती है कि बीजेपी किस तरह से काम करे, और अपने घोषणा पत्र में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो है वो डालने हैं। हालांकि इसको लेकर भी राजनीति शुरू हुई थी, अलग अलग तरीकों से जिस तरह से सुझाव लिए जा रहे थे घोषणा पत्र के लिए, उसे कांग्रेस आरोप भी लगा रही थी।